दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी डॉटर ने पेसिफायर कैसे छोड़ा। 3 दिन में उसका पेसिफायर बिल्कुल जीरो हो गया यूज करना। और 3 दिन पहले वो इतना ज़्यादा पेसिफायर यूज़ करने लगी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं जो जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर रही हूँ यूज़ करने के बाद में अगर उनके रिजल्ट्स आते हैं तो मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में ये भी बोला था कि मैं जब अपनी डॉटर का दूध की बॉटल में छुड़ाने की ट्राई करूंगी, मे बी शायद नेक्स्ट मंथ करूंगी, अगर वो टिप्स एंड ट्रिक्स काम किए जो कि मेरे दिमाग में है तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो इसलिए अभी तक मैंने वो क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई नहीं किए हैं, क्योंकि इस महीने में मैं काम कर रही थी उसके पेसिफायर छुड़वाने के लिए, तो वो जरूर काम कर गए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको पेसिफायर छुड़वाने के अच्छे टिप्स बता देती हूँ जो कि मेरी डॉटर के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से काम किए हैं। ट्रस्ट मी, सबसे बेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट वे है, आप कहीं भी जाके देख लेना, आपको बहुत सारे ये करो वो करो बहुत सारे मेथड बताते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करता। मैंने भी खुद से बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे रिसर्च किया, बहुत सारी चीजें ट्राई की, बट नथिंग सीम्स टू वर्क। फिर फाइनली मैंने ये टिप्स फॉलो करे हैं जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपने वो 3 दिन का जो रूल है वो फॉलो कर लिया। तो चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करिएगा जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों हुआ यूं था कि मैंने कुछ टाइम पहले ये वीडियो बनाया था पेसिफायर के ऊपर, उसके भी जो टिप्स थे वो काफी सारे काम कर रहे थे, मैंने करके देखे थे मेरी डॉटर के ऊपर काफी सारे जो टिप्स थे वो काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं ये कह सकूं कि मैं आज ही पेसिफायर अपने घर से फेंक सकती हूँ और शायद मेरी डॉटर को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और बिल्कुल भी बहुत ज्यादा केओस नहीं होने वाला है घर में। तो ऐसा नहीं हो पा रहा था, मे बी दिन में वो नहीं पेसिफायर यूज करे बट रात को जब वो सोने जा रही है उसको चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद में उसको आदत ये हो गई, जब उसको ये समझ में आने लगा कि ये मेरे से पेसिफायर हटाना चाहते हैं, वो पूरी पूरी रात पेसिफायर छोड़ती नहीं थी। अगर रात को आपने 3 बजे भी उसके मुंह से पेसिफायर निकाल दिया तो वो उठ के रोने लग जाती थी। तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो पेसिफायर को पूरी पूरी रात शक करे, ऐसे हमने ये सोच के उसको पेसिफायर इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ में यही होता है। फिर हमने क्या किया, क्योंकि सैटरडे संडे को मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता है तो वो घर पे ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सैटरडे संडे नहीं ट्राई करूंगी, क्योंकि होता ही है क्योंकि अगर मैं उसको कोई चीज़ के लिए मना कर रही हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रही हूँ, तो बच्चा फिर पापा के पास जाके बोलेगा कि अरे, मतलब उनके सामने जाके रोने लगता है, तो फिर उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाते कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, इतना परेशान हो रही है। सेम चीज़ अगर उसके पापा स्ट्रिक्ट हो रहे होते तो वो मेरे पास आते, जिससे कि मुझे थोड़ा लगता है कि कोई बात नहीं थोड़ा दे देते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि ये वाला जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी, उस टाइम पे मैं सिर्फ उसको अकेले देखती हूँ। तो मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स स्टार्ट किए मंडे से। टिप्स एंड ट्रिक्स सिंपल था, सिंपलेस्ट था, कुछ नहीं, आपको पेसिफायर को टोटली डिसअपीयर कर देना है जैसे कि आपके घर में कभी था ही नहीं। आई नो कि ये सोच के भी मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोएगी और मैं उसको शायद संभाल पाऊँ या नहीं संभाल पाऊँ, आई डोंट नो। तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा। इस वक्त मेरे घर पे 3 पेसिफायर्स थे, 2 फिलिप्स के थे, 1 पिजन का था। फिलिप्स वाला उसने बिल्कुल भी यूज नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं उसने यूज किया, क्योंकि उसको पिजन की आदत लगी हुई थी। तो हुआ यूं कि मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी और मैंने छुपा दिया उसको, उसको पता भी नहीं चला। इवन इतना हो गया था कि अगर मैं पेसिफायर का ये वर्ड भी बोल देती थी तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती थी, लेकिन अभी मैं उसके सामने ही बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मम्मा क्या बोल रही है। तो यही हुआ है, आज 4th डे है उसको। तो पेसिफायर को मैंने डिसअपीयर कर दिया और मैंने उसको ऐसे टाइम पे छुपाया जब वो नहीं देख रही है। उसके बाद में हुआ ये कि जब वो सुबह सोने जा रही थी, नहाने के बाद में वो थोड़ी देर के लिए सोती है, आधा घंटे के लिए, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है। तो जब वो सोने जा रही थी तो वो मुझसे मांग रही थी कि पेसिफायर कहाँ है कहाँ है। वो पेसिफायर को वो पेसिफायर नहीं बोल पाती, वो बोलती कहाँ है कहाँ है, तो वो बोलती थी कहाँ है, मैं समझ रही थी कि वो क्या बोल रही है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता कहाँ है, मुझे नहीं पता कहाँ है, ऐसे करके मैंने उसको सुलाने की कोशिश की। वो बिल्कुल भी नहीं सोई, वो पूरा जो आधा घंटे 1 घंटे तक वो यही करती रही, कहाँ है वो करवट चेंज करती रही, बट वो नहीं सोई। और मैं इसके लिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं उसको पूरा अपना कोशिश कर रही थी कि उसको सूथ करने के लिए उसको मैं कडल कर रही थी, उसको मैं प्यार कर रही थी, उसको मैं किसी
कर रही थी, लेकिन मैं उसको कोशिश कर रही थी कि मैं उस पर खुद भी इरिटेट ना हूँ, क्योंकि कई बार हो जाता है कि ऐसा पेरेंट्स हम बच्चे को बहुत ज़्यादा किसी उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम भी कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर आपका पहले से ही माइंड सेट होगा तो आप परेशान नहीं होंगे, आप इरिटेट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो चैलेंज है ना, ये आपसे ज़्यादा आपके बच्चे के लिए है, क्योंकि वो इतने टाइम तक पेसिफायर यूज़ कर रहा था, अब ऑल ऑफ सडन आपने उसको हटा दिया है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़, अब आप ये कहेंगे कि ऑल ऑफ सडन क्यों आपने हटा दिया, क्योंकि मैं तो अपनी कई वीडियोज़ में ये रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी चीज़ को जब आप स्लोली स्टडीली इंट्रोड्यूस करते हैं या रिमूव करते हैं तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है। लेकिन यहाँ पेसिफायर में मैंने ऐसा क्यों किया, वो मैंने इसलिए किया दोस्तों, पेसिफायर को जब मैंने स्टार्ट किया था छुड़वाना, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया था, तो मैंने स्लोली स्टार्ट किया था। मैं क्या करती थी कि मैं उसको पूरा दिन, तो डेफिनेटली वो पहले भी कभी नहीं लेती थी कि पूरा दिन वो पेसिफायर मुंह में रख के बैठी हुई, ऐसा कभी नहीं होता था, वो सोते वक्त ही लेती थी। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं उसको एक या दो नैप से मैंने उसका पेसिफायर हटाया, वो रात को बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गई कि वो रात के टाइम पे पेसिफायर को 8 घंटे के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि जब वो रात को पेसिफायर चूस रही है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन अगर आप उसको दूध पिला रहे हो तो वो दूध नहीं पिएगी, उसको पेसिफायर चाहिए। तो मुझे ये लगा कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि होता ये है कि जब आप कोई चीज़ बच्चे की लाइफ से एकदम से हटा देते हैं तो बच्चे को उस चीज़ के तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और बच्चा उसको बहुत ही ज़्यादा हार्शली ग्रैप कर लेता है, फिर उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर आप इस चीज़ को टोटली फ्रेम से हटा देंगे तो बच्चा ज़रूर इस चीज़ को ढूंढने जाएगा, चारों तरफ ढूंढेगा, लेकिन जब बच्चे को वो चीज़ नहीं मिलेगी तो ऑल ऑफ सडन वो शांत हो जाएगा, उसको इस चीज़ को दोबारा से उसको फ्रेम में लेके नहीं आना। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही चीज़ मैंने की, मैंने पेसिफायर बिल्कुल हटा दिया। फिर सुबह की नैप के बाद में दोस्तों दोपहर की नैप आई, दोपहर की नैप तक वो इतना ज़्यादा थक गई थी, वो खुद भी बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही थी कि कहाँ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो दोपहर तक आते आते, जनरली अगर वो सुबह नहीं सोती है तो वो 1 बजे सो जाती है, लेकिन उस दिन वो 3 बजे आकर के सोई, और ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वो उस चीज़ को ढूंढ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसको इस तरह से देख के नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मैं क्या कर रही थी कि मैंने उसको 1-1.5 घंटे तो स्टार्टिंग में सुबह ट्राई किया कि वो सो जाए, लेकिन जब वो नहीं सो रही थी तो फिर मैंने उसको दूसरी चीज़ें दे दी, जैसे कि आजकल वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको कॉपी पेन पे खेलना, उनको कॉपीज़ को फाड़ना, इस तरीके की चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उसको वही कॉपीज़ वगैरह दे दी, पेन दे दिए उसको, हाइलाइटर दे दिया, जो पेन वाला हाइलाइटर होता है वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसी चीज़ें मैंने उसको दे दी जो कि उसके लिए नई भी हैं और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वो चीज़ें खेलने में। मैंने उसको वो चीज़ें दे के थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन बीच बीच में उसको थोड़ा हो रहा था कि उसको पेसिफायर चाहिए। फिर वो दोपहर में सो गई, कोई इशू नहीं है। अब रात की बारी आई, रात तक मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जब वो दोपहर में सोई थी उस वक्त मैं अपने यूट्यूब का काम कर रही थी तो मुझे रेस्ट नहीं मिल पा रहा था, तो रात तक आते आते मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, उसके पापा भी ऑफिस से आए वो भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे, तब मुझे लगा कि चलो मैं पेसिफायर दे ही देती हूँ क्योंकि अभी सब लोग परेशान हो रहे हैं। बट इसके पापा ने बोला कि नहीं अभी इतना ज़्यादा आपने किया है तो अभी इसको नहीं देना है, तो हमने जैसे तैसे करके उसको रात को सुलाया और वो आराम से सो गई, क्योंकि वो अगेन 3 बजे सोई थी लेकिन वो 4 बजे जग गई क्योंकि उसको पेसिफायर की याद आ रही थी, तो वो दोपहर में भी इतना ज़्यादा नहीं सोई थी। फिर वो रात को आराम से सो गई, रात को बीच बीच में वो कम से कम 8 बार उठी थी, लेकिन वो बहुत जल्दी सो भी जा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। पहले दिन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई जितनी हुई दूसरे दिन वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, उसको बहुत ज़्यादा पेसिफायर की याद आने लगी, उसको था कि मुझे पेसिफायर ला के दो, बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी दूसरे दिन आकर के, क्योंकि फर्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली जितना मैं तैयार थी उससे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, तो लेकिन सेकंड डे पे आते आते मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि नहीं अब एक बार हट गया है तो अब हट गया है अब नहीं। सेकेंड डे मैंने उसको जैसे तैसे करके मतलब समझाया और उसको खिलाया और बहुत सारी चीज़ें की, तो जो दूसरे दिन जो उसकी दोपहर की नींद थी वो उसने बिना पेसिफायर के फिर ली आराम से, उसने कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं की, ना ही वो बीच बीच में उठी थी, रात को भी इतना ज़्यादा बार बार नहीं उठी थी जैसे कि पहले दिन 8 बार उठी थी, दूसरी बार वो 3 या 4 बार उठी थी। फिर थर्ड दिन उसने बिल्कुल भी याद नहीं किया कि कोई पेसिफायर नाम की चीज़ भी थी। हमने 2 दिन पेसिफायर का नाम नहीं लिया क्योंकि हमें डर था कि अगर हमने पेसिफायर का नाम लिया शी स्टार्ट टू क्राई और उसको फिर होगा कि पेसिफायर चाहिए ही चाहिए, नाउ शी इज प्लेइंग। तो फिर हमने तीसरे दिन आकर के ये रिलैक्स हुए कि हाँ चलो अब ठीक है, अब उसका पेसिफायर हट गया, अब आप देख रहे हो कि मैं इस वीडियो में कितनी बार पेसिफायर बोल चुकी हूँ
और वो मेरे सामने बैठ के अभी भी नोटबुक और पेन से खेल रही है, लेकिन अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मुझे नहीं लगता कि उसको इतना रिक्वायरमेंट है। आज फोर्थ डे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया है, 6 बज गया है अभी। तो इस तरह से आप थोड़े स्ट्रिक्ट होकर के करेंगे तो हट जाएगा। इसी पीरियड में मैंने ट्राई किया था बॉटल भी हटाने की, लेकिन वो मेरी बहुत गलत चॉइस थी। मैंने एक टाइम ट्राई किया था ग्लास से दूध पिलाने की, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, इसलिए मैंने दूध की बॉटल अभी के लिए मैंने हटा दिया कि मैं दूध की बॉटल को अभी नहीं हटा रही हूँ, एटलीस्ट 1-1.5 महीने तक मैं कंटिन्यू रखूंगी, जब तक कि उसको बिना पेसिफायर के सोने की और बिना पेसिफायर के रहने की आदत हो जाएगी, उसके बाद में मे बी मैं ट्राई करूँगी बॉटल हटाने की। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रैक्टिकल टिप, एंड आई होप कि मैंने जो स्टोरी बताने की कोशिश की है, एंड आई नो आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको ये टिप दे सकूँ, ये स्टोरी बता सकूँ, इस स्टोरी से आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आ सके, आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि प्रैक्टिकली आपको बच्चों का पेसिफायर किस तरह हटवाना है, ना कि बहुत सारे रैंडम टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके। सिंपल टिप है, पेसिफायर को डिसअपियर कर दीजिए, स्ट्रांग बन के रहिए, और दूसरा, बच्चों के ऊपर बिल्कुल डांटना नहीं। ये 3 दिन का जो चैलेंज है, इन 3 दिनों में आपको बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटना है, क्योंकि बेबी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट, उसको आदत है पेसिफायर की, एकदम से आपने उसको डिसअपियर कर दिया तो इट इज अ लॉट फॉर अ बेबी। सो आपको बिल्कुल भी नहीं डांटना है इन 3 दिनों में, आपको बच्चे के साथ में जितना जेंटल आपको रह सकते हो आपको रहना है, बच्चों के साथ में आपको खेलना है, आपको हाइड एंड सीख खेलना है, तो आपको जो आपके बच्चे को पसंद है करना वो आपको करना है, जिससे कि बच्चे को पेसिफायर की ज़रूरत ना लगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर देना, लेकिन अगर आपको चाहिए कि इस वीडियो में स्टोरी हटा के मैं सीधे सीधे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दूँ पॉइंट वाइज, तो मुझे वो भी बता देना, मैं किसी और वीडियो में छोटे से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आई नो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया स्टोरी बताने का और मुझे नहीं पता कि स्टोरी किस तरह से आई है, जब मैं एडिटिंग करूंगी तब पता चलेगी। तो अगर ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके के और भी वीडियोज़ देखने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए, मैं मेरे लाइफ में मेरी डॉटर के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर रही हूँ वो सब चीज़ें जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।